बस स्टैंड पहुंच गया दोस्तों। ये पहाड़ी बस स्टैंड ये बेतिया के बस लगे हुई है बगल में। नरकटियागंज की बस है ये, सिवान गोपालगंज ये बस है। तिवारी बस है बनारस के लिए, यही बस है दोस्तों मेरा, इसी बस से ढाका पहुंचे हैं। तो मेरा बस जा रही है, सुबह की 4 बज रही है। ये है शहर गांधी चौक ढाका, मॉर्निंग 4 o'clock समय हो रही है। आपको ढाका अच्छा खासा शहर है। यहाँ मेरा एग्जाम सेंटर है, थोड़ा सा घुमा देते हैं आपको दोस्तों। देख लीजिए कितना पानी टंकी है, साथ ही बाजार लगती है लगता है। यहाँ ठंड काफ़ी लग रही है। यहाँ से सीतामढ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी ठंड है यहाँ, बहुत ठंड है यहाँ, जैसे लग रहा है शिमला में चले आए हैं। स्वेटर भी नहीं लेकर आए थे, सोचे कि बहुत गर्मी पड़ेगी। बाप रे, एक घंटा। चलिए दोस्तों, आप वीडियो बाद में शूट करेंगे, यहाँ से चलते हैं अब गांधी चौक। मैं अभी गांधी चौक ढाका में हूँ, पूर्वी चंपारण। ये जो सामने रोड आपको नज़र आ रही है, ये सीतामढ़ी जाएगी और इधर मोतिहारी मेरा सेंटर यही सामने में है, इसी रोड में है। ये सीतामढ़ी जाएगी शिवहर, ये सामने वाली रोड। चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ अपना सेंटर। मेरे पीछे शौचालय हैं, देख लीजिए गांधी चौक का लुक। चलिए आपको ले चलते हैं अपना सेंटर, SP मेमोरियल हाई स्कूल गांधी चौक मेरा सेंटर। आगे ये ढाका शहर है, पूर्वी चंपारण में पड़ती है। मोतिहारी से मात्र 40 मिनट के रास्ता है। ये लगभग नेपाल के बॉर्डर पर है दोस्तों। यहाँ से नेपाल मात्र 10-15 किलोमीटर ही है। शिवहर भी यहाँ से बहुत बगल में ही है। ठंड तो इतनी है कि मत पूछिए, बहुत ज़्यादा ठंड है। शिमला में हम आ गए हैं, बिहार नहीं। तो ये आपसे बात करते करते सेंटर पहुँच ही जाएंगे हम। यहाँ से 2 किलोमीटर है मेरा सेंटर। बहुत ठंड है, हाथ में बहुत ठंड लग रही है। हम सोचे कि उतनी ठंड नहीं होगी, लेकिन मेरे सोच से बहुत ज़्यादा ठंड है। एक ये सेंटर है, उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाका, गांधी चौक से बगल में ही है ये सेंटर। मेरा यहाँ नहीं है, मेरा इससे थोड़ा सा आगे है, ठीक से दिखाई नहीं पड़ रही होगी आपको। चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं अपना सेंटर। ये देखे कौओं की बाराती, 6 बजे सुबह में
हलरसा है, आगे कोई चौराहा है, देखते हैं इस चौराहे का नाम क्या है। ये सामने जो रोड है ये मोतिहारी जाती है, ये है शहीद चौक। मेरा सेंटर इस रोड में नहीं है, ये सामने में है, शहीद चौक से सामने स्ट्रीट, ये है शहीद चौक। ये ढाका का बाजार है, मार्केट। बहुत ज़्यादा ठंड है दोस्तों, हम बता नहीं सकते हैं आपको। मेन बगल में नेपाल है, इस वजह से ज़्यादा ठंड पड़ती है इधर। बहुत ठंड है, हाथ मो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हाथ में बहुत ठंड लग रही है, जैकेट भी नहीं ले करके आए ना सूटर। इस स्थान को बोलते हैं पकड़ी दयाल रोड आजाद चौक। इस स्थान को बोलते हैं, नाम है इसका, इस जगह का। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर है मेरा सेंटर, SP मेमोरियल हाई स्कूल, यहाँ मेरा एग्जाम है। ढाका शहर तो अच्छा है सर दोस्तों। मोतिहारी सब शहर जैसा ही है, ये भी शहर। कुहा तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, देखिए सामने में कुहा है, शीत गिर रही है, रोड तो भींगा है हल्का, वो नहीं पता चलेगा लेकिन है हल्का। कुहासा नजर आ रही है कि नहीं, कितना कुहासा है। अब यहाँ से रोड ठीक नहीं है, पक्की सड़क है ही नहीं। ये दोस्तों पकड़ी दयाल रोड, बोट को देखना होगा तो देख लीजिएगा, ये कितना कुहासा है। ये खेत से ही लगा लगेगी, देखिए बहुत ठंड है। ये आ गई है मैरिज हॉल, साईं कृपा मैरिज हॉल। बोर्ड को देख लीजिए, शायद कुछ समझ में आए आपको। देखिए दोस्तों ये साईं मैरिज हॉल है। देखिए दोस्तों ये साईं मैरिज, साईं कृपा मैरिज हॉल है, ये आवासीय होटल। वो जो अभी देखा है वो मैरिज हॉल था दोस्तों। मेरा जब भी एग्जाम पड़ता है दोस्तों ऐसा ही होता है, बहुत दूर। कुछ लोग को तो गांधी चौक पर ही सेंटर था, मेरा ही है 2-3 किलोमीटर दूर। चलते रहिए, कोई स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। एक और मैरिज हॉल है, दीपक मैरिज हॉल। खेत देखिए दोस्तों, धान फसल। देखिए कितना कुहासा है खेत के पास। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, देख लीजिए स्कूल है ये। अब ये उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपहरा, मेरा है SP मेमोरियल हाई स्कूल।
ये तो होगी नहीं, वो सामने हमको दिख रही है एक मेमोरियल पब्लिक स्कूल, शायद उसी में होगा। ये बोर्ड पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बुनियादी पाठशाला बरहरवा लखन सेन, गांधी आश्रम बरहरवा लखन सेन, कहाँ पता क्या सेंटर, एसपी मेमोरियल पब्लिक स्कूल। ये तो सीबीएसई स्कूल है दोस्तों, यहाँ है बीपीएससी का एग्जाम। मैं पहुंच गया सेंटर, अलावा और कोई परीक्षार्थी नहीं है दोस्तों, देख लीजिए मैं अकेला ही आया हूँ परीक्षा देने। देखिए, धन्यवाद दोस्तों, सूर्य भगवान आ गए हैं। अरे वो भट्टा पर लेकर चलते हैं दोस्तों आपको, अब क्या करें हम, ईंट भट्टा है सामने, बंद है लेकिन देखिए कितना कुहासा है, धुंध नजर आ रही होगी, सामने भी आ रही होगी। ये है ईंट भट्टा जो बंद पड़ रही है, बंद हो गई है। अगर दिखाते हैं आपको लुक यहाँ का, ये ईंट भट्टे का लुक, जो होल सा नजर आ रही है ना उसी में आग लहकती है, ऊपर से ईंट पकती है। ये है स्वस्थ हवा, स्वस्थ गांव का। ये देखिए ये कार स्कूल है, द मॉर्निंग स्टार स्कूल। द मॉर्निंग स्टार स्कूल, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से अपने सेंटर की ओर।